हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। आप सभी को पता है आरआरबी का जेई का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हो चुका है और इस पर कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था कि अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से पोस्ट को प्रेफरेंस देना है, क्या करना है, आरआरबी कौन सा सेलेक्ट करना है, और भी क्वेरीज हैं, एरोनॉटिकल एलिजिबल है कि नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, बीटेक अलाउड है कि नहीं है। अभी बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट है बीटेक अलाउड है कि नहीं है, और भी बहुत सारी क्वेरीज हैं कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस स्टेज वन या स्टेज टू के मेरिट पर बेस्ड होगा, किस पर बेस्ड होगा। ये सारी क्वेरीज हैं, वही सारी आपकी क्वेरीज को हम लेकर आए हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज हैं इन सभी का सोल्यूशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरी है आपका कि बीटेक अलाउड है कि नहीं है। नोटिफिकेशन में जहाँ पर आपको पोस्ट के लिए दिया गया है कि कौन कौन एलिजिबल है, मिनिमम ब्रांचेस वगैरह लिखी हैं, 3 इयर्स डिप्लोमा, वहाँ पर आप नीचे पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा गया है हायर क्वालिफिकेशंस सच एस बीई बीटेक आर आल्सो एक्सेप्टेबल इन लीव ऑफ 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द सेम डिसिप्लिन। यानी कि बीटेक अलाउड है, बीई बीटेक अलाउड है। दूसरा आता है कि बीएससी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारा फर्स्ट ईयर में था, लेकिन उसके बाद सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो क्या अलाउड है? हाँ, बिल्कुल अलाउड है। आपने अगर एक साल भी पढ़ा है किसी भी एक बीएससी फर्स्ट ईयर में सिर्फ पढ़ा है अगर आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद क्वेरी है आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, एरोस्पेस, ये सब अलाउड हैं क्या कि नहीं है। पहली चीज़ तो हम आपको ये बता देते हैं, जो डीएमएस की पोस्ट है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है 3 इयर्स डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन। तो जब डिप्लोमा के लिए बोला गया है तो यहाँ पर वही सेम चीज़ डिग्री के लिए भी है, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। मतलब कि डीएमएस की पोस्ट में आपका कोई भी डिग्री हो बीटेक की, आप अप्लाई कर सकते हैं। डीएमएस की पोस्ट के लिए आपके पास कोई भी डिग्री हो, केमिकल हो, एरोस्पेस हो, एरोनॉटिकल हो, कोई भी डिग्री हो, आप डीएमएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दिखा देते हैं आपको हम एक बार, देखिए डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट क्या मांगा गया है यहाँ पर, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। तो जब डिप्लोमा भी किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है तो इंजीनियरिंग वाले भी किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा के साथ साथ बीई बीटेक भी एलिजिबल है, ये नोटिफिकेशन में दिया गया। तो बीई बीटेक किसी भी डिसिप्लिन में हो आप डीएमएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली क्वेरी तो ये आपको समस्या का आपका समाधान हो गया। कोई भी ब्रांच हो, कैसी भी ब्रांच हो, आप अप्लाई कर सकते हैं डीएमएस की पोस्ट के लिए। अब ये बड़ी समस्या आ रही कि एरोनॉटिकल, केमिकल, एरोस्पेस, ये देखिए डीएमएस की पोस्ट के लिए तो हो गया, अब बचता है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। इसके लिए अब आप पूछ रहे हैं कि एरोनॉटिकल, केमिकल, एरोस्पेस वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके लिए चलिए हम जरा आपको AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर ले चलते हैं, वहाँ हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी एलाइड ब्रांचेस हैं। ये AICTE की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर ये PDF पड़ा हुआ है जहाँ पर लिखा गया है लिस्ट ऑफ कोर्सेज कवर्ड अंडर ईच स्ट्रीम, केमिकल इंजीनियरिंग एंड एलाइड, यहाँ पर सारी आपकी ब्रांचेस दी गई हैं कौन कौन सी केमिकल इंजीनियरिंग के अंडर में आती हैं। सिविल इंजीनियरिंग एंड एलाइड, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो नोटिफिकेशन में आया है वो क्या चीज़ है। कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अभी प्रॉब्लम आ रहा है मैकेनिकल वालों को, हाँ ये है आपका मैकेनिकल। अब देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एलाइड ब्रांचेज या एलाइड कोर्सेज कौन कौन से हैं, यहाँ पर एरोस्पेस भी है और एरोनॉटिकल भी है, आप देख रहे हैं दोनों चीज़ें हैं, एरोस्पेस भी है। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमोबाइल भी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी है, ऑटोमोबाइल ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यहाँ पर दिया गया है। तो मैकेनिकल की एलाइड ब्रांचेस ऑटोमोबाइल, इसके साथ साथ आपका एरोस्पेस, ये आप देख सकते हैं एरोस्पेस और एरोनॉटिकल, ये तीनों हैं। लेकिन जो आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है वो क्या दिया गया है, वहाँ पर लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल, ये आपके सामने है।
मैकेनिकल की जो भी अलाइड ब्रांचेस थी, जो भी कोर्सेज थे, उसमें ऑटोमोबाइल भी था, एरोस्पेस भी है और इसके साथ साथ एरोनॉटिकल भी है। लेकिन यहाँ पर आपको जो ब्रांच बोली गई है वो स्पेसिफिक बोली गई है सिर्फ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बाकी ऐसा कुछ नहीं बोला गया। अब यहाँ पर दिया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ अबव डिसिप्लिन, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ अबव डिसिप्लिन। अब हो सकता है कि इसमें आ जाए आपका, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। बिकॉज अब देखिए, ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल का आपका सब स्ट्रीम क्या हो जाएगा? ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग हो जाएगा, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी हो जाएगा, यानी कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एरोनॉटिकल एरोस्पेस का सवाल है, मेरे हिसाब से तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जब आपका फॉर्म फिलअप चालू होगा आपका कब से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी 2019 से, तब देखते हैं उसमें क्या है। कुछ ऐसा स्कोप दिया गया है, कुछ ऐसा ऑप्शन है क्या कि किसी भी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं है, जो भी होगा वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में भी है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसकी जो कॉम्बिनेशन जो भी सब स्ट्रीम है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कौन सी क्वेरी है आपकी? हाँ, चौथी क्वेरी है भैया, जो सिलेक्शन होगा फाइनल जो हमारा, वो किस पर बेस्ड होगा? तो वहाँ पर नोटिफिकेशन में आप ध्यान से पढ़िएगा, साफ साफ लिखा गया है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द डीवी, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन सेकेंड स्टेज सीबीटी। मतलब कि सेकेंड स्टेज सीबीटी का ही आपका स्कोर काउंट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज जो होगा वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें आपको सिर्फ 40% लाने हैं, ऐसा नहीं, कट ऑफ वहाँ पर भी डिसाइड होगा। हो सकता है कट ऑफ 70 चला जाए, हो सकता है कट ऑफ 75 चला जाए, तो उतना तो आपको लाना ही होगा। जब तक स्टेज वन क्वालिफाई नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं, मार्क्स कितने आते हैं उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन क्वालिफाई करना ज़रूरी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। अब इसका मतलब ये नहीं जिसका 40% आ गया सबको बुला लिया जाएगा, नहीं, वहाँ पर भी एक कट ऑफ डिसाइड होता है। मान लीजिए 100 में से इन्होंने कट ऑफ डिसाइड कर दिया 72, तो जिसके जिसके 72 नंबर होंगे वही बुलाए जाएंगे। बिकॉज सेकेंड स्टेज के लिए क्या है रेशियो जो है वो क्या है, 15 टाइम्स जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उसका 15 टाइम्स हम सेकेंड स्टेज के लिए रेलवे जो है वो सेलेक्ट करेगा। तो अब 40% में तो क्या, अब सबको तो लेना नहीं है, लेना वही है जो सिर्फ 15 मैक्सिमम, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मान लीजिए कि सेकेंड स्टेज के लिए जो भी वैकेंसीज हमारी उसका 15 टाइम्स हमें लेना है। मान लीजिए कि अगर 4 वैकेंसीज हैं तो 15 टाइम्स 16, हमने 60 ले लिया, या किसी RRB में मान लीजिए 400 वैकेंसीज हैं तो इंटू 15 ये कितना हो गया, 60,000, 60,000 हमने ले लिया। तो यही रहेगा कट ऑफ, एक उनका डिसाइड होगा, उस कट ऑफ को आपको क्वालिफाई करना होगा तभी आप सेकंड स्टेज में जाएंगे। बस कट ऑफ आप निकाल लेंगे तो अच्छी बात है, सेकंड स्टेज में पहुंच जाएंगे, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं है बिकॉज फर्स्ट स्टेज के मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। दूसरा आता है हाउ टू फिल पोस्ट प्रेफरेंस और हाउ टू सेलेक्ट RRBs, कौन सा RRB सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए पहले तो ये समझते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या कैसे करना है। अलग अलग यहाँ पर आपको एग्ज़ाम ग्रुप दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग, सिविल एंड अलाइड, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये अलग अलग एग्ज़ाम ग्रुप हैं। अब इसमें ऐसा बोला गया है कि आपको एक ही एग्ज़ाम ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब जैसे CS वाले हैं, उन्होंने पता चला कि यहाँ पर भी भरा है भैया, और यहाँ पर पता चला कि SNT और इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम ग्रुप सेलेक्ट करना है, मतलब कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल ले लिया तो सब जगह आपको इलेक्ट्रिकल से ही भरना है, इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं भरना है। चलिए अब ज़रा समझ लेते हैं, सिविल इंजीनियर के लिए टोटल 13 पोस्ट बोली गई हैं, जूनियर इंजीनियर ब्रिज, जूनियर इंजीनियर सिविल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, जूनियर इंजीनियर PW, जूनियर इंजीनियर सिविल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, अलग अलग यूनिट है ये सब डिपार्टमेंट, ब्रिज है ये, डिज़ाइन एंड ड्राइंग है ये, PW है ये, प्रोडक्शन यूनिट है। इसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर PW, ये भी प्रोडक्शन यूनिट है, जूनियर इंजीनियर वर्क्स, प्रोडक्शन यूनिट, जूनियर इंजीनियर डिज़ाइन सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर वर्क्स, जूनियर इंजीनियर रिसर्च सिविल, जूनियर इंजीनियर वर्क्स, जूनियर इंजीनियर सिविल वर्कशॉप। अब देखिए आपको क्या करना है, सिविल इंजीनियरिंग वाले जो भी हैं आपने यहाँ पर देख लिया कि आपके लिए टोटल कितनी पोस्ट हैं, 13 पोस्ट हैं। अब आपको सेलेक्ट करना है RRB,
आरआरबी आपको चूज़ करना है। अब एक से ज़्यादा आरआरबी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहली बात यह है कि जिस आरआरबी में अप्लाई करेंगे उसका सेंटर वहीं पर पड़ेगा। आप एक एग्ज़ाम यहाँ देंगे, दूसरा एग्ज़ाम वहाँ देने जाएंगे, कोई मतलब नहीं। एक आरआरबी आपको सेलेक्ट करना है, कोई एक आरआरबी जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपको लगता है कि हाँ जहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा हैं, जहाँ पर सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मान लीजिए कोई भी उठा लीजिए, हम दिखा देते हैं अभी आपको आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी अजमेर, ये जो भी हैं हम दिखा देते हैं। चलिए टोटल आपने बताया आपको सिविल के लिए कौन कौन सी टोटल कितनी पोस्ट हैं, 13 पोस्ट हैं। आपको समझ में आ गया सिविल के लिए टोटल 13 पोस्ट हैं, बस इसी 13 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रेफरेंस आपको देना है कौन सा पहले लेना है, कौन सा क्या करना है, वो प्रेफरेंस कैसे देना है बता देते हैं। चलिए मान लीजिए आपने कहा भैया हम आरआरबी अहमदाबाद से अप्लाई करेंगे। आरआरबी अहमदाबाद में सिविल इंजीनियर की सिर्फ 4 पोस्ट हैं, टोटल वहाँ पर 13 थी, लेकिन वैकेंसीज किस में कितने में हैं, सिर्फ 4 में। जूनियर इंजीनियर सिविल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, जूनियर इंजीनियर पीवे, जूनियर इंजीनियर वर्क्स और जूनियर इंजीनियर सिविल। आप एलिजिबल कितने के लिए हैं, 13 के लिए, लेकिन वैकेंसीज कितने में, सिर्फ 4 में। अब इस 4 में आपको सेलेक्ट करना। आपने कहा भैया इसमें वैकेंसीज ज़्यादा है, हम पहले इसको प्रेफरेंस देंगे, तो पहले इसको प्रेफरेंस दे दीजिए 3 नंबर। इसके बाद आपने कहा इसमें ज़्यादा वैकेंसीज, हम इसको प्रेफरेंस देंगे, इसके बाद आप इसको प्रेफरेंस दे दीजिए, ये आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा, ये आपका सेकेंड नंबर पर हो जाएगा, उसके बाद थर्ड नंबर पर आप इसको प्रेफरेंस दे दीजिए और लास्ट में इसको कर दीजिए। बस इस तरह से करना है। आरआरबी अजमेर में देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कितनी है, यहाँ पर टोटल 7 हैं, 13 में से 7 में वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर आपने कहा भैया सबसे ज़्यादा तो जूनियर इंजीनियर पीवे में है, 60 है, लेकिन जूनियर इंजीनियर वर्क्स यहाँ पर 85 है, तो हम किसको प्रेफरेंस दें, हम भैया इसी को देंगे, तो आप इसको प्रेफरेंस दे दीजिए, इसके बाद आप इसको दे दीजिए। जिसमें जितनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं वहीं पर प्रेफरेंस दीजिए तो ही आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज क्या है, जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होगी चांसेस उतने ज़्यादा ही होंगे। अब एक वैकेंसी के लिए आप इसको प्रेफरेंस देंगे तो क्या फ़ायदा है, इसको सबसे लास्ट में रखिए। पहले 85 वाले को दीजिए, फिर 60, फिर 19, इसके बाद 11, इसके बाद आपका आ जाएगा 8, इसको प्रेफरेंस दीजिए, इसके बाद 3 और इसके बाद लास्ट में 1 हो गया। इस तरह से करना है आपको। आरआरबी इलाहाबाद देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 9 पोस्ट में वैकेंसीज हैं। सिविल वाले कितने एलिजिबल हैं, कितने, 13 पोस्ट के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद में सिर्फ 9 पोस्ट में ही वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर ब्रिज, अब यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा किस में, जूनियर इंजीनियर पी वे 117, बस सबसे ज़्यादा आप इसको पहले प्रेफरेंस दे दीजिए। इसके बाद ट्रैक मशीन, आप इसको प्रेफरेंस, अब ये ट्रैक मशीन में क्या है, ट्रैक मशीन में थोड़ा सा लोचा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा ट्रैक मशीन में सिविल एलिजिबल है कि नहीं है। मेरे हिसाब से कहीं कहीं एलिजिबल है, कहीं कहीं एलिजिबल नहीं है, तो ये शायद मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, तो आप शायद आई थिंक इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए किस में है सबसे ज़्यादा, इसके बाद है 37, इसको प्रेफरेंस दीजिए, फिर 35 वाले को प्रेफरेंस दीजिए, इसके बाद 18 वाले को प्रेफरेंस दीजिए, इसी तरह से आपको करना है बस। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया। आप थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिकल और ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी समझा देते हैं, और ये जो मैंने आपको बताया है ना ट्रैक मशीन वाला, ये थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे, समझ में नहीं आ रहा, आई थिंक ये सिविल इंजीनियर के लिए नहीं है, ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। बिकॉज डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है, लेकिन पोस्ट जो ये 14 नंबर है ये शायद सिविल के लिए नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अब जरा हम बाकी जो भी पोस्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम आपको सीधे नोटिफिकेशन पे दिखाते हैं कि क्या है। अब देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अब इसमें क्या है, मैंने जो आपको बताया टोटल ये 13 पोस्ट हैं, ये किसके लिए हैं, सिविल इंजीनियर के लिए। अब जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, ये देखिए ये सिविल के लिए नहीं है, ये मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये इसके लिए है। इसके बाद देखिए ये मैकेनिकल के लिए है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट नंबर कहाँ से है, 15 से लेकर और कहाँ तक है, ये है पोस्ट नंबर आपका 39 तक, 39 सारा जो डिपार्टमेंट है मैकेनिकल है। यहाँ पर क्या मैकेनिकल भी मांगा है, इलेक्ट्रिकल भी मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मांगा है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, मैकेट्रॉनिक्स भी है, इंडस्ट्रियल मशीनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांच है। इसके बाद देखिए पोस्ट कोड 40 से लेके और आपका 55 तक, यहाँ पर क्या है डिपार्टमेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल, शुरू में 2 ये मैकेनिकल है बाकी इलेक्ट्रिकल है। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो अब जो इलेक्ट्रिकल वाले उन्हें क्या करना है, अब ये SNT डिपार्टमेंट है, देखिए एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें सिविल वाले हैं, उसके बाद मैकेनिकल है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद SNT। तो कोशिश करिएगा आप जिस डिपार्टमेंट से, जो ब्रांच आपने पढ़ी है उसी ब्रांच, उसी डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दीजिएगा।
इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई करी है तो कोशिश करिएगा कि इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट को पहले ही भरिएगा, उसको प्रेफरेंस दीजिएगा, उसके बाद आप एसएनटी में जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो उनको क्या करना, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा उनको पहले एसएनटी में जाना चाहिए, यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिकल में जाना चाहिए। अब देखिए जहाँ तक एग्ज़ाम ग्रुप की बात है, अब अगर आप पोस्ट नंबर 56 से लेकर 65 तक, ये आपके सामने दिख रहा है पूरा, 56 से लेके और ये 65 तक, अब यहाँ पर क्या है, आपने सेलेक्ट किया कि भैया हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, हम पहले इसको देंगे एसएनटी को प्रेफरेंस देंगे। एसएनटी में जितनी पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट है एसएनटी, आपके सामने दिख रहा है टोटल कितनी पोस्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पोस्ट हैं, आपने कहा पहले हम इसको प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद आपने कहा चलो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट में, अब हम यहाँ पर भरते हैं इनको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन कोशिश ये करिएगा, ध्यान ये रखिएगा, एग्ज़ाम ग्रुप एक ही सेलेक्ट करना है, मतलब कि यहाँ अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा है तो यहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से ही भरना पड़ेगा। सेम यही कंडीशन इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ अगर आपने इलेक्ट्रिकल से भरा है उसके बाद आप एसएनटी में जाना चाहते हैं तो एसएनटी में आप इलेक्ट्रिकल से भर सकते हैं। अब देखिए आप वहाँ पर भी भर सकते हैं, ये जूनियर इंजीनियर की जो भी वैकेंसीज हैं, इसके साथ साथ जो डीएमएस है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, आप यहाँ भी भर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग मांगा गया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, आप एसएनटी भर दीजिए, एसएनटी के बाद डीएमएस भर दीजिए, नहीं भरना है तो एसएनटी के बाद ये इलेक्ट्रिकल भर दीजिए, इसके बाद मैकेनिकल, उसके बाद डीएमएस पे आ जाइए। पर कोशिश ये करिएगा डीएमएस में आप जब भरेंगे, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर यही सेम चीज़ है, लेकिन अब जो सीएस वाले हैं उन्होंने यहाँ पर भरा क्या, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपने भरा सीएस से, उसके बाद जब आप एसएनटी पे आए तो यहाँ पर भी सीएस मांगा गया है, तो यहाँ पर आप सीएस से नहीं भर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक ही आपका एग्ज़ाम ग्रुप, मतलब कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं ले सकते हैं, मतलब कि आपको एक ही एग्ज़ाम ग्रुप से भरना होगा। यहाँ पर अगर आपने सीएस भरा है तो यहाँ पर भी आपको सीएस से ही भरना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस से। एग्ज़ाम ग्रुप एक ही रहेगा, एग्ज़ाम ग्रुप चेंज नहीं होगा, ये नहीं कि आपने यहाँ सीएस से भरा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से भर रहे हैं, वो नहीं चेंज होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर बता दिया मैंने, उसके साथ साथ डीएमएस का पोस्ट है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अब ये अलग बात है, इसका जो एग्ज़ाम ग्रुप है वो क्या है, एग्ज़ाम ग्रुप इसके बारे में नहीं बताया गया, बाकी सब बताया गया, सीएमए है और आपका प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ये सब बताया गया, डीएमएस का एग्ज़ाम ग्रुप नहीं बताया गया। वो इसीलिए नहीं बताया गया क्योंकि यहाँ पर सारी ब्रांच एलिजिबल हैं, इसलिए आप ये भी भर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा जो एग्ज़ाम ग्रुप होगा आपका वो आपको एक ही सेलेक्ट करना है। ऐसा मत करिएगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भर रहे हैं, यहाँ आप इलेक्ट्रिकल से सेलेक्ट कर रहे हैं, डीएमएस में गए तो बोले हम यहाँ कंप्यूटर साइंस से भरेंगे, ऐसा मत करिएगा, एग्ज़ाम ग्रुप आपको एक ही सेलेक्ट करना है बस। तो ये है पूरा जो कुछ भी, अगर आपको कुछ अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।